हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से अर्थ टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हाथवे केबल एंड डाटा कॉम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 25 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1% के करीबन की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 21 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक के अंदर रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर 6.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 1 महीने में 5.5%, परंतु 3 महीने में एक पॉजिटिव ट्रेंड बना। 6 महीने में 16% की गिरावट और 1 साल के अंदर 31% की तेजी देखने को मिल रही है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से बाय किया था उन्हें तो स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बन रहेगा, पर पीछे के 6 महीने से लगातार स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर नीचे में जो एक बॉटम बन चुका है वो 18 रुपए 80 पैसे पर है। 18 रुपए 80 पैसे पर स्टॉक ने पहले इस प्राइस को रिटेस्ट किया है और यहाँ पर बॉटम बनने के बाद स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला था और स्टॉक ने नीचे में 21 रुपीज 60 पैसे पर स्टॉक फिर से इस प्राइस को रिटेस्ट करता है जहां पर हाई बनाता है 23 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। 21 रुपीज पर स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाकर फिर से एक बड़ा बाउंस बैक दिखाता है। ऊपर में स्टॉक 25 रुपीज 50 पैसे का हाई बनाता है, पर इन स्टॉक के अंदर एक कॉमन चीज जो देखने को मिल रही है वो 21 रुपीज 50 पैसे पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अभी भी स्टॉक देखें तो इस प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहेगा, पर इस प्राइस के पास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी यहां पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक यहां पर एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक दिखाता है, ऊपर में स्टॉक एक बार 21 रुपए के प्राइस सॉरी 22 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर के टारगेट अराउंड 25 रुपए 50 पैसे के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और नीचे में एक अहम स्टॉप लॉस ट्रेड करें अराउंड 21 रुपए का। स्टॉक थोड़ा नीचे इस प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है, तो अगर आप थोड़े नीचे के स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं होगा और ऊपर के टारगेट अराउंड 25 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें। परंतु इस बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक अगर 21 रुपए से नीचे जाता है तो फिर से स्टॉक एक रेंज बोन में फंस जाएगा और नीचे में स्टॉक 18 रुपए 50 पैसे के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।